एक एक आदमी आइयो भाई बैठ जाएगा नहीं दो तरीके ना, या तुम अपने आप अपने पसंद से ठेकेदार लगाओ अपना हमारा, या मैं ठेकेदार लगाऊं तो बनाए दाल आप लगा दो, ऐसे ही बना दो तुम। शब्दों को ध्यान दियो, हमें मकान नहीं, हमें घर चाहिए। घर नहीं, कुछ घर बना दिया, हम और नहीं। इतने से आगे आ गया बन जाएगा तुम्हारे में, या कैसे ऐसे तो बनेगा ना। नहीं, ये तो छोड़ बना, हमें और कोई चाहिए, मतलब जो अपना घोसला है वो मिल जाए, वो बनाना छोड़वा के तू बना। कोई नी, टेंशन ना लो। इस मकान में भी त्रेट आ गई भाई, दिखाइयो वो सामने त्रेट आ रही है। इमरजेंसी और कह दो, जैसे आप ये पाइप पूछ करे ना, मैं पाइप काम चलने पहले चलेगा, जो आपका इसमें आप भाई वहाँ बैठ रही वो सड़क ज्यादा ना खड़े रहो। लाइन मन में हाल वो मिट्टी मशीनों के द्वारा निकाल के ट्राले में भर भर के लेके गए ना, वो मिट्टी वहाँ पे पाइप मच जाएगा थोड़ा, इतनी मिट्टी कब लगा मिट्टी तो रही थी, खोखली रह रही नीचे, वही तो कह रहा है पाइप तो जाम रही। मुआवजा कराया बेटी को, सड़क की स्थिति है उसमें जो भी मिल गए थे, जो भी काम हो इसको तो ध्यान नहीं रखते, सब बड़ा नीचे जो पाइप है पाइप खाली है, पाइप लीक है, पाइप भी नीचे जमी पानी का तो लीक है, मतलब उसमें पानी आएगा। हाँ ठीक है, तुम सड़क में और आम नहीं की पहले तो मकान जैसे तब लोग बन गया, पहले मकान जो रिसा होता है ना वो पूरा टूट जाए, फिर वो रिपेयर हो, फिर मकान छोड़ो बोर्ड करने का, ये तो ध्यान रखते हैं है ना। पहले इसका भी टूटा मकान है तो मकान बंद नहीं पड़ेगा, मकान दो और एक काम मकान है, दो चीज़ों में वहाँ से काम करेगी, यदि उसको ग्राउंड लेवल मिल जाएंगे तब कुछ करेगी, वो जब ये थोड़ी की रिपेयर करनी बना देगी, तो जब पूछेगी पूरा अंदर देखिए क्या मामला है। हाँ ये तो अपना हमको करने जा रहा है, जितने मकान दो दिन में वो जितना हमको बनवा देंगे। हाँ पार्टी जाए पार्टी जाए, ये पार्टी हमारे कुलदीप ने ये सब किया है, ये आप दोनों संबंधित पक्षों से एटलीस्ट रिटर्न में ले लीजिए, तीनों पार्टी कल को पार्टी नहीं मिलता है, वे आपका मकान तोड़ के रिपेयर करा रहे हैं, मकान पहले बस आप कुछ कोई आपको नहीं है ये का निकाले हैं है ना, इनका पार्टी और बोर्ड मकान को ठीक करा लेटर ऑन रिटर्न इश्यूज पे बदल पाओ। हाँ ये पार्ट किया है वैसा डाल चुका है उसको बात करते हैं, पहले भी रोड तुम लेफ्ट राइट साइड ये तो पहले ना तब अंदर जाके बैठिए, तुम क्या मॉडल हो, मॉडल हो तो तरीके से मान ये तो
यहाँ पर सड़क धंसने की बात आई है, यहाँ पर एक पानी की लाइन है जल संस्थान की, उसमें कुछ लीकेज का इश्यू था कई दिन से, और जल संस्थान को इंटीमेट भी किया गया, लेकिन वो इससे पहले कि वो कुछ काम कराते वहाँ पे इतना ज़्यादा कटाव हो गया कि कुछ सड़क भी डैमेज हो गई और साथ में लगे हुए मकान भी डैमेज हो गए। उस समय में शासन से मैडम महोदय मिनिस्टर मैडम महोदय ने मेरे साथ आपको किया था, उनके इंस्ट्रक्शन मिले थे कि आप तत्काल रोड को रिस्टोर कीजिए और फिर सेकेंड फेज में जो मकान है उनके लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। सर आप मानते हैं लापरवाही कहीं ना कहीं जल संस्थान की भी रही है इस कार्य में? लापरवाही ये है कि लीकेजेज एक आम प्रॉब्लम है, पुरानी लाइनें हैं हो जाती हैं, लेकिन इतने कम समय में दोनों घटनाएं हो गई। 19 तारीख को ये जैसे हमें पता चला कि वहाँ लीकेज है, हमने उनको सूचित किया और 20 तारीख में घटना हो गई, तो जल संस्थान को भी समय नहीं मिल पाया कि लीकेज ठीक कर दें, तो उसकी वजह से ये हो गया। तो जिस तरह से विधायक जी और आपके द्वारा सहयोग से दोबारा से निर्माण किया जाएगा मकानों में, शासन के निर्देशों के अनुसार जो की बात है, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए और काफ़ी बुरी हालत में क्षतिग्रस्त हुए, मैंने मौका मुआयना भी करा और इसी संदर्भ में ADP के अधिकारियों जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ मैंने मीटिंग यहाँ पर करी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मकान जो क्रैक हो गए उनको डिमोलिश करके और फिर सड़क का काम शुरू करा जाए, क्योंकि मकान गिरने का खतरा है। अगर हम मकान को डिमोलिश नहीं करेंगे, उसको ग्राउंड लेवल में ले जाएंगे और सड़क खोदेंगे तो मकान गिरने का खतरा है। पहले मकानों को डिमोलिश किया जाएगा, फिर सड़क की रिपेयरिंग करी जाएगी, उसके बाद मकान दोबारा नए बना दिए जाएंगे। चारों घर जो क्षतिग्रस्त हुए, चारों मकान नए बना दिए का हमने आश्वासन दिया, उसको तुरंत कार्रवाई की कल से शुरू हो जाएगी। तीनों पार्षद ग्रहण हमारे साथ से सभी की सहमति हो गई इस तरह से काम करा जाए, और जितने भी रोड में बैठी है सबको रोड को सरिये का स्लैब डाल के उसकी रिपेयरिंग करी जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो। विधायक जी, शहर की सड़कों का और भी बुरी हालत है, जगह जगह हाईवे पे गड्ढे हो रखे हैं, नगर सड़कों पे गड्ढे हो रखे हैं, उसके लेकर आप क्या कर रहे हैं? बारिश उठने का इंतजार कर रहे हैं, बारिश में सड़क हॉटमिक्स प्लांट बंद है हमारे आजकल, और बारिश उठते जैसे ही हॉटमिक्स प्लांट होंगे तो हॉटमिक्स की सड़कें तुरंत हो जाएंगी। जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं तो हॉटमिक्स की तारकूल की सड़कें जो सीधी की हैं, जो इंटरलॉक टाइप हैं, वो काम लगातार चल रहे हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो मेन हाईवे है इसके लिए नेशनल हाईवे को भी लिखा गया है, और ये सड़कें तुरंत बारिश खत्म होने के बाद तो ये जो मकानों का निर्माण कार्य आपदा निधि से बनवाया जाएगा या आपकी नीति का, इसमें ADB भी सहयोग करेगा, विधायक जी से भी सहयोग करा जाएगा और माननीय मंत्री से बात हुई से वो भी सहयोग करेंगे, सभी सहयोग से नए मकान का निर्माण होगा। कल रात आप सभी लोग मौजूद थे और जो गणेशपुर में सड़क के धंसने से जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके संबंध में लोगों को मूव करवाया गया था। अभी माननीय विधायक साहब के तरफ से प्रपोजल आया है कि मकान का दुख ध्वस्त करवा करके पुनर्निर्माण की व्यवस्था कराई जाएगी, उसी के संबंध में संबंधित स्थानीय पार्षद वगैरह सभी मौजूद हुए थे, उनसे चर्चा की गई कि क्या स्थायी समाधान इसका निकाला जा सकता है। जो संस्था रोड की देखभाल कर रही है वो ADB, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके अधिकारियों से बैठक करके एक परमानेंट स्थायी समाधान